गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कि किस प्रकार राम लक्ष्मण ने मारीच, सुबाहु और ताड़का का वध किया। इन तीनों का वध करने के बाद विश्वामित्र राम लक्ष्मण को अपने साथ मिथिला ले गए, जहां पर राजा जनक अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाने जा रहे थे। विश्वामित्र जब राम लक्ष्मण को अपने साथ लेकर जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में उन्हें बहुत सी पौराणिक कथा सुनाई कि किस प्रकार तुम्हारे पूर्वज गंगा जी को धरती पर लेकर आए। मिथिला के पास पहुंचने पर ही उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया, जहां पर कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी दिखाई नहीं दे रहा था। राम के विश्वामित्र से पूछने पर कि ये आश्रम ऐसा उदास क्यों है, तो उन्होंने अहिल्या की कथा सुनाई कि और श्री राम के चरण छूने पर अहिल्या का उद्धार हो गया, वो एक सुंदर सी नारी में परिवर्तित हो गई। राम लक्ष्मण जनकपुरी में पहुंचे तो वहां पर सब ने उनका बहुत स्वागत किया। विश्वामित्र ने सबको आशीर्वाद दिया। वहां पर जाकर उन्हें ये पता चला कि शिव धनुष एक जिसका नाम सुनाव है, उस धनुष को जो भी तोड़कर उसको प्रत्यंचा चढ़ाएगा तो उससे राजकुमारी सीता का विवाह होगा। तो उस स्वयंवर को देखने के लिए पूरे संसार से एक शूरवीर बहुत सारे लोग आए ताकि सीता को स्वयंवर में जीत सकें, लेकिन किसी भी में ऐसी हिम्मत नहीं थी कि उस धनुष को उठा सकें। धनुष भंग करने का जब समय आया तो राजा जनक को लगा कि मैंने ये शर्त रखकर अपना ही उपहास खुद करवाया है। अगर मुझे पता होता यह धरती वीरों से ख़त्म हो गई है, तो मैं कभी भी इस धनुष की शर्त ना रखता। तो यह बात सुनकर लक्ष्मण को बहुत ही गुस्सा चढ़ा और वो बहुत ही आक्रोश में आ गया, जिससे राजा जनक ने उनसे माफ़ी मांगी और विश्वामित्र के कहने पर राम उस धनुष को भंग करने चल पड़े। जैसे ही राम ने धनुष को उठाया तो सारी सभा चकित रह गई कि जिन शूरवीरों से धनुष हाथ भी नहीं लगाया जा रहा था, उन्होंने उसको आराम से उस धनुष को उठा दिया और जैसे प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो धनुष के दो टुकड़े हो गए। इस प्रकार राम और सीता का विवाह हो गया। उसी समय बीच में परशुराम वहां पर उपस्थित हुए, बहुत ही क्रोधित अवस्था में। तो यह देखकर सारी सभा हैरान हो गई कि परशुराम क्रोधित क्यों आए। उस समय लक्ष्मण और परशुराम का संवाद भी है, जो हम आपको यहाँ पे नहीं बताएंगे क्योंकि वो 10th क्लास में है। परशुराम का क्रोध इतना बढ़ गया कि राम ने उनको शांत किया और उनका अहंकार तोड़ा। तो परशुराम राम से खुश हो गए और उन्होंने उस राम और सीता को आगे आशीर्वाद दिया। तो सभी इसी प्रकार राम और सीता का विवाह हो गया। आज हम इतना ही पढ़ेंगे और इसके मैं कुछ क्वेश्चन देती हूँ, जो आप उसके आंसर स्वयं लिखेंगे।